और फिर के तो सत्या में उस दिन के बाद ना उसने ना बेमानी छोड़ दी। हाँ बिंदनी, हरी भावों ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद में उसने बेमानी करना ही छोड़ दिया। एमिली, वो आज पार्लर के बंद। आईपीएस जिठानी जी, आज पता है मैंने आपके लिए आपके मन पसंद खाना बनाया है। अरे पिंडी के छोले, कढ़ी, भिंडी, कसूरी मेथी वाली कढ़ी भी बनाई है, लेकिन काली मिर्च ना डाली मैंने। दाम बढ़ाने की आदत नहीं जाएगी इनकी कभी। हाँ मीनाक्षी, इन 11 महीनों में मैंने अपने परिवार को बहुत मिस किया। मारे को लगे बाबू आपसे कुछ कहना चाहती है। बाबू को रही है। हाँ बाबू कहिए ना। बीनी, मैं तो बस यही कहना चाहूँ कि अब ना मैं थारे को कट्ठे भी जाने की मंजूरी ना दूंगी। थारी ट्रेनिंग तो पूरी हो गई है ना? हाँ बाबू, अब तो मेरी पूरी ट्रेनिंग खत्म हो गई है और पोस्टिंग भी यही हो गई है, तो अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अब आपके पास ही रहूंगी, पुष्कर के अंदर अपने परिवार के साथ। बाबू, अब तो आपका घर परिवार सब साथ में रहेगा। जिठानी जी भी आ गई है, पूरा परिवार एक रहेगा तो घर के सारे काम भी हो जाएंगे, है ना? देवरानी, जिठानी तीनों मिलके ही काम करेंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। हे मारा राम जी। अभी अब बावली कैसी बातें करती है तू? बेबे भाभी अब भाभी नहीं रही, बहुत बड़ी पुलिस अफसर नहीं बन गई है। तभी छोटे मोटे रसोई के काम नहीं संभालेगी भाभी, पूरा शहर संभालेगी, समझी तू? अच्छा, तो फिर कौन करेगा? मारे को भी तो शहर संभालना है ना जी। मारा मतलब है शहर की सारी लुगाइयों का पहनना ओढ़ना, अब सब मारे ऊपर ही तो जिम्मेदारी है। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब घर का काम इतना सारा, दो दो बच्चे कौन संभालेगा? अब तो लगे है देवरानी जी को ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास तो कोई काम को नहीं ना। अब क्यों मीनाक्षी? नहीं नहीं ऐसे कुछ खास तो ना। भाभू क्या है, क्या हुआ है घर में? ना भीनी, इसको कुछ भी ना है। मैं जब घर में आ रही थी तब मैंने भी देखा था कि अमली के पार्लर पर सरकारी सील लगी हुई थी। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ मोहित भैया अमली के पार्लर को? और मीनाक्षी ऐसा क्यों कह रही है? अब मैं कि अमली पार्लर नहीं जाएगी? बात क्या है, क्या हुआ है अमली के पार्लर को? संध्या बिंदनी, बेटा वो जिस दिन घनघोर वाली पूजा थी ना, उस दिन अचानक हम लोग ग्राहक पक्ष विभाग से और हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आप लोग एक्सपायरी डेट का गलत माल यूज कर रहे हैं। देखिए हमने सारे सामान की जांच की है, आधे से ज्यादा माल तो एक्सपायरी डेट का है। देखिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं, आप लोगों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए हमें इस पार्लर का लाइसेंस जब्त करके ये दुकान बंद करनी होगी, आप लोग प्लीज बाहर चलिए।
सूरज जी, घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे बाप रे। मैंने संजय जी ऐसी ऐसी भी मतलब इतनी बड़ी बात ना थी। हम अपनी जगह सही हैं। वो जो भी था ना, जैसे बाबा साहब ने बताया कि किसी ने ऐसे झूठ मूठ की शिकायत कर दी, इसलिए बाबा साहब ने आपो ने कहा था कि क्यों आपको इतनी दूर बैठ के छोटी छोटी चिंताओं के बारे में बताएं। एमली, परेशान मत हो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, कैसे भी करके तुम्हारा पार्लर जरूर खुलवाएंगे, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। अभी मुझे पूरा विश्वास था कि इस मामले में अब आप ही कुछ कर सकती हैं, पर अब आप तो बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई है ना, पूरे शहर की जिम्मेदारी आपके सर पे है, तो आप ये पार्लर के काम के लिए टाइम निकाल पाएंगी? कैसी बात कर रहे हैं मोहित भैया, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं भले ही अपनी नौकरी में कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो जाऊं, लेकिन अपने परिवार के लिए मेरे पास समय ही समय है। अच्छा, एक काम कीजिएगा, कल सुबह ही कंज्यूमर कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगवा दीजिएगा। हम जी बाप, अगर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। मोहित भैया, उसके साथ जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी साथ में लगा दीजिएगा। जी, अपने पार्लर को खुलवाने के लिए हम सही तरीके से जो कुछ भी कर सकते हैं वो जरूर करेंगे एमली, और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा पार्लर जल्दी से जल्दी खुल जाएगा। तुम चिंता मत करो। थैंक यू। हाँ भाई छोटे, अभी तो अब क्यों तेरा चेहरा लटका हुआ है, थोड़ी सी स्माइल ले आ चेहरे पे, हैं? भाभी आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता ना कर। ठाकुर जी। हो दिया और बाकी हम। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।